आप चाहे लाख कोशिश करें, हमारी बहनें हिजाब में ही पढ़ेंगी, हिजाब में ही रहेंगी। मैं हमारे मुसलमान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, जागो, यही टाइम है जागने का, क्योंकि आने वाले टाइम में आज आपको हिजाब से इनकार किया जा रहा है, आने वाले टाइम में आपको बुरखा निकालो बोलते जाते हैं। कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट उडुपी में 6 मुस्लिम लड़कियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, इनजस्टिस किया जा रहा है। कर्नाटक की हुकूमत से ये अपील है, जल्द से जल्द उन 6 बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए और गवर्नमेंट कॉलेज उडुपी के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा, ये जो आप फैसिस्ट हरकत कर रहे हैं, ये जो आप अपनी घिनौनी चालें जो उन मासूम बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द रोका जाए। अगर उन्हें 3-4 दिन में इंसाफ नहीं मिला तो फिर गुलबर्गा में उनके लिए आवाज उठाई जाएगी। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय एसआर कॉन्टिनेंटल होटल। कर्नाटक को यूपी मॉडल बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आए दिन देखने में आ रहा है कि फैसिस्ट ताकतें मिलाकर इस्लाम फोबिक खुलकर सामने नजर आ रहा है। जब वो हिजाब, ये जो यूपी मॉडल, यूपी में जो गंदा सियासी खेल खेला जा रहा है उडुपी के ताल्लुक से, हिजाब के ताल्लुक से, ये सियासी खेल खेलना बंद करें। हमारे हुकूमत से ये अपील है, आप चाहे लाख कोशिश करें, हमारी बहनें हिजाब में ही पढ़ेंगी, हिजाब में ही रहेंगी। आप, मैं इस ये भी कहना चाहता हूँ, कर्नाटक के असेंबली में 7 MLA हैं, 7 में से 1 तो हिजाब वाली भी हैं, लेकिन इसके खिलाफ आज तक कोई भी आवाज़ नहीं उठे। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो एरिया एरिया, महला महला फिर के कैंपेनिंग कर सकते हैं। और यहाँ तक के मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, मास्क पहनिए, वो करिए, ये करिए बताया जा रहा था, अब हिजाब में आ रहे हैं तो हिजाब में। मैं हमारे मुसलमान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, जागो, यही टाइम है जागने का, क्योंकि आने वाले टाइम में आज आपको हिजाब से इनकार किया जा रहा है, आने वाले टाइम में आपको बुरखा निकालो बोलते जाते हैं। और ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको हिजाब पहनना इतना इनडिसिप्लिन दिख रहा है तो किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, हमारे को सिर्फ हुकूमत और बीजेपी से तकलीफ़ है। ये अंधे भक्त इस तरह है, अंधे भक्त का हिसाब कैसा है बोले तो, जंगल को क्या है मालूम है, खुराड़ी पसंद आती, जंगल को खुराड़ी इसलिए पसंद आती, खुराड़ी के पीछे जो दस्ता रहता वो हमारी कौम का है बोलती, लेकिन उनको पता नहीं खुराड़ी ही पूरा जंगल साफ कर दी। ये अंधे भक्त को भी बताना चाहता हूँ, आप आंखें खोलो, अगर आप अपना देश हमारा देश है तो जॉब कहाँ है, हमारे वैकेंसीज कहाँ है, हमारे एजुकेशन किधर है, दिन बर दिन हमारी इकोनॉमी कम होते जा रही है, इसके ताल्लुक से कोई बात नहीं कर रहा है। रोज़ नए नए कानून ला के एंटी कॉन्वोकेशन बिल लाया गया, वो नए नए कानून लाने की ज़रूरत क्या है, हमारा संविधान एक बार लिख चुका है, बस उसी पे ही हम रहना है। इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ, सलाम। कोई आया थमा गंगा का लाल बनकर, रह गया अदानी अंबानी का दलाल बनकर। अब तो कपड़ों में बिकता है कफन, फिर भी अंधभक्त कहते हैं कि मजबूत हाथों में है ये वतन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे कर्नाटक यूपी में तब्दील हो रहा है, जिस तरह यूपी में फैसिस्ट चीज़ें की जाती हैं, हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद के बजाय इत्तेफाक डाला जाता है, उसी तरह गुलबर्गा यानी कर्नाटक में भी थोड़ा थोड़ा उसको लाया जा रहा है ताकि पूरे कर्नाटक को यूपी में बदला जाए। कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट उडुपी में 6 मुस्लिम लड़कियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, इनजस्टिस किया जा रहा है और कर्नाटक के सीएम बोम्मई इस पर खामोश हैं। बच्चों की पढ़ाई उनके लिए कुछ भी मायने ही नहीं रखती, सिर्फ हिजाब वियर करने पर उन्हें क्लास में लिया नहीं जा रहा है, उनकी पढ़ाई रोकी जा रही है। 31 दिसंबर से ये मामला लगातार आता जा रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन इस पर हमारी हुकूमत खामोश है, कर्नाटक का गवर्नमेंट खामोश है। क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन यही सिखाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या यही सिखाता है कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन यही सिखाता है? ये हुकूमत हमारी आखिर कर क्या रही है? अगर आपको हमसे अगर इतना ही बदला लेना है, अगर इतना ही हमसे ये करना है तो कंधा पर कंधा लीजिए ना, ये मासूम से बच्चों के साथ, वो भी हिजाब पर, एक मुसलमान लड़कियों के साथ हिजाब पर आप ये करते हैं, इतनी शर्म की बात है? अगर आपको इतना ही है तो आप खुले मैदान में आकर वार कीजिए ना, पीछे से बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ वार क्यों करना चाह रहे हैं?
कर्नाटक की हुकूमत से ये अपील है, जल्द से जल्द उन 6 बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए और गवर्नमेंट कॉलेज उडुपी के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा, ये जो आप फैसिस्ट हरकत कर रहे हैं, ये जो आप अपनी घिनौनी चालें जो उन मासूम बच्चों के साथ कर रहे हैं वो जल्द से जल्द रोका जाए। अगर उन्हें 3-4 दिन में इंसाफ नहीं मिला तो फिर गुलबर्गा में उनके लिए आवाज उठाई जाएगी। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय एसआर कॉन्टिनेंटल होटल।